पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आठवां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकार है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन के शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसकी बात आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से क्या हुआ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम के रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र एकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादिक सुख को देखकर इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता
मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आए, तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेघावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे, और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुर्मुषु मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नीच कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजदंड, से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेघावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोग से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करने लगी, रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्ह पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाली, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं? हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चिल्ह पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुन
उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास श्मशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि में जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती हैं और खाती नहीं दुर्बल होती हैं वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टमध्यायः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलम भगवान विष्णु
वरुणध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः।